बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है जलेबियाँ। सो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी और 1 कप ही पानी शामिल करेंगे। 2 से 3 हरी इलायचियाँ डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ टीस्पून फूड कलर डालेंगे। अगर आप लोगों को कलर्ड जलेबियाँ पसंद नहीं है तो आप लोग फूड कलर स्किप कर दीजिएगा। अब हम चाशनी को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक अच्छे से चीनी डिसॉल्व ना हो जाए। जब तक चाशनी हमारी तैयार हो रही है हम उस वक्त तक जलेबियों का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून भरकर घी का, आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 सैश इनो डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम एक ग्लास लेंगे, उसमें मैं नॉर्मल बैग रखूँगी, आप लोग पाइपिंग बैग या फिर मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सारा बैटर इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। अच्छे से इसे कवर करेंगे और नीचे से हल्का सा सुराख कर देंगे ताकि जलेबियाँ हमारी अच्छे से बन सकें। यहाँ चाशनी भी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे करेंगे और एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जलेबियाँ डालेंगे। अब हम इनकी साइड्स चेंज कर लेंगे। जलेबी अच्छे से हमारी पक चुकी है, अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। इसी तरह हम सारी जलेबियाँ अपनी तैयार कर लेंगे। चाशनी में डालने के बाद इन्हें हम 5 से 6 मिनट तक चाशनी में रहने देंगे। 5 से 6 मिनट बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मज़ेदार सी कुरकुरी सी जलेबियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।